व्यवस्था बनाए रखे जरूर जरूर आइए ऐसे पूछ लूं चलते हुए क्या आपका क्या नाम है? सोनू कुमार। कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार से ये आप साष्टांग कर रहे हैं? माविया अस्पताल। अच्छा, इस पे बाबा जी से इसके बाद मिलने का प्रोग्राम है? बस। अच्छा, तो ये आप कहाँ से शुरू किया आपने? अच्छा, बाबा तक मैसेज कैसे पहुँचेगा आपका? पहुँच जाएगा अपने। देखिए, कुछ बोलना चाहेंगे? भारतीय संस्कृति का आस्था है जो ये कर रही है, भक्ति है, ये आपको सिर्फ भारत में ही देखने मिलेगा और कहीं नहीं। इसी को आस्था कहते हैं और आस्था के वजह से ही ये जो है यहाँ से बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। यानी कि ये दंड है, दंड व्यवस्था है ये कि हम जो कोई कर्म करते हैं ना वो भगवान को हम दंड दे रहे हैं। तो एक तो छठ पर्व में हमारी महिलाएं करती हैं और आज जो भक्त हैं उनको अपना है कि कैसे हम प्रायश्चित करें, है ना। तो एक सुधार के लिए ये कर रहे हैं। जहाँ देखो तपस्या है, धर्म का मतलब है तपस्या करना है। हर हाल में आपको तपस्या करना है क्योंकि संसार में बहुत कम समय के लिए सभी आते हैं। अपने कर्मों को सुधार के जाना है, कर्म ही सब कुछ है। जब हम जिंदगी में कर्म अच्छा करेंगे तो फिर हमारा दूसरा जन्म अच्छा होगा। इसी के लिए लोग सब आते हैं, हृदय परिवर्तन करने के लिए सभी आते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म और सनातन की जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं माधवी जाऊँ, प्रदेश से हूँ, कार्यकर्ता बेटी बचाओ में हूँ, संयोजक कर्ता। मैं वैसे तो दिल्ली में रह रही हूँ, बिहार की हूँ मैं, बिहार भागलपुर की। जय श्री राम।